ये शाम का टाइम है और किट्टू और हम बैठे हैं। सानू भी बाहर था और यहाँ पर आवाज़ बंद है, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, लेकिन बाहर पानी आ रहा है तो पानी की भी बहुत तेज़ आवाज़ थी। और हमारे साइड में घर का काम चल रहा है तो उसका भी शोर हो रहा था, नहीं तो बारिश के पानी की इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी। और खिड़की में से आप लोगों को पानी भी नज़र आ रहा होगा। हमारे राइट साइड में घरों के काम चल रहे हैं तो दिक्कत होती है हमें भी, और क्या कर सकते हैं, काम है तो होगा, बर्दाश्त करना ही होगा। दोस्तों ये देखिए शाम का टाइम है और अल्लाह करम से अच्छा पानी आ रहा है, काफ़ी देर से आ रहा है। और अभी हम लोग ये खाना पकाना है तो पालक की भाजी साफ कर रहे थे। बहुत तेज़ है पानी, ये देखें पालक साफ़ कर ली है हमने। और हम बनाएंगे दाल के साथ, मूंग की दाल पालक बनाएंगे। और ये 1 कप मूंग की दाल है और ये आधी मतलब 1 पाव से कम होगा ये पालक, क्योंकि कम हो जाती है सबको पता है। और ये टमाटर है, छोटा सा टमाटर था, हम लोग सब्जी लेने जा रहे थे और पानी आने लगा तो ये 1 टमाटर है, छोटा सा है, हम ज़्यादा भी डाल दें। और मसाले ये हैं, हरी मिर्ची है, प्याज, ज़ीरा और लहसुन है। और इसमें हम हल्दी, नमक और हल्दी डालेंगे, बस इतने सादे मसालों से हम बनाएंगे। बहुत अच्छी दाल बनती है। बर्तन रख दिया चूल्हे पे, बस तेल डालती हूँ। और ये मेरा निकाल के रखा था काफ़ी देर से, मेरे दही रखा है तो मैं दूध भी रखा था, इसको डाल दूंगी अभी। अब सब चीज़ें यहीं रखी काफ़ी देर से तो वो आपको दिखा भी दिया है। तो अब सबसे पहले मैं तेल डालती हूँ और अब हम बनाते हैं। प्याज मिर्ची हो गए, अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डाल दिया है लास्ट से, बाद में और देख लेंगे कम ज़्यादा जैसा भी होगा। हल्दी, और इसमें हम टमाटर डाल देंगे। इसी में हम पालक भी डाल देंगे। और अच्छा कम से कम 5 मिनट भूनेंगे पालक को। और ये दाल को भी धोकर रख लिया है। ये देखिए प्याज, प्याज बोले पालक कितनी सारी थी, ये नरम होके कितनी सी हो गई, बहुत कम हो गई। और अब हम ये धुली हुई दाल को डाल देंगे और अंदाज का पानी डाल के 1 सीटी लगा देंगे।
मेरी दाल हो गई है। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें। मूंग और पालक की दाल बहुत टेस्टी लगती है सादे मसालों से। और ये आज सुबह का क्लिप है। अभी आगे तक का वीडियो तो कल शाम का था, रात को बहुत पानी गिरा। और ये आज मॉर्निंग से जो भी रूटीन था वो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था और टाइम पर यहाँ पर आना था। तो ये मैं एक स्कूल में आई हूँ आवेदन देने टीचर की जॉब के लिए, प्राइवेट स्कूल है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग दुआ करें कि मेरे लिए कोई अच्छे काम का इंतज़ाम हो जाए, या फिर यहाँ पर आवेदन देने आई हूँ तो यहीं पर मेरा सिलेक्शन हो जाए। बच्चे छोटे हैं अभी, बच्चों का पढ़ाई का भी है और बहुत कुछ देखना होता है। बैठने से तो काम चलता नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।